हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपका ये 9th क्लास है जो कि सबसे सिंसियर क्लास है, सबसे अच्छा क्लास है, और आपको अभी से अपनी मंजिल के लिए, अभी से अपने टारगेट के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू कर देना है। डेली अपना टारगेट बनाना है, उसको अचीव करना है, और एक दिन आपको अपने सब्जेक्ट में परफेक्शन लाना है। इसके पहले हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट बेस्ड डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने 60 क्वेश्चन की का एक सीरीज जो है स्टार्ट किया है फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए और रिमेनिंग अनदर एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब उसी सीक्वेंस में हम आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि 31 MCQ क्या कहता है। आइए देखें, क्वेश्चन नंबर 31 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, इसका मतलब कि वैक्यूम में साउंड की स्पीड कैसे कितनी होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वैक्यूम किसे कहते हैं, मीन्स जहाँ कहीं भी एयर को भी हटा दिया जाए, एयर भी ना प्रेजेंट रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। तो मीन्स एयर को भी अगर हम रिप्लेस कर दें, एयर भी ना प्रेजेंट रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं, ठीक ना। और जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के ये नहीं चल पाएंगी। तो वैक्यूम में साउंड वेव चल ही नहीं पाएंगी, जब चल ही नहीं पाएंगी, प्रोपेगेट ही नहीं कर पाएंगी, तो इनकी स्पीड की कोई बात ही नहीं है। तो इनकी स्पीड कितनी होगी? जीरो होगी। तो वैक्यूम में साउंड वेव की स्पीड कितनी होती है? जीरो। वैक्यूम में साउंड वेव की स्पीड कितनी होती है? जीरो। रीजन क्या है कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, इनके प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का होना कंपलसरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो फिर ये प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगी। तो वैक्यूम में इनकी स्पीड कितनी होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। तो पहला आपका क्वेश्चन था कि द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, तो डी ऑप्शन 0 meter per second। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 0 meter per second, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया है 3 × 10⁸ meter per second। तो 3 × 10⁸ meter per second, ये आपको पता होगा कि ये स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम या एयर में। 3 × 10⁸ meter per second ये स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्री स्पेस या वैक्यूम में, ठीक ना। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड अगर पूछता तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। 250 meter per second ये आपकी वैक्यूम में होती नहीं, 1500 meter per second ये साउंड की स्पीड वाटर में होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर के लिए, ए ऑप्शन है स्पीड ऑफ साउंड इन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए, और तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, साउंड की स्पीड वाटर में। तो हमने आपको बताया था कि साउंड की मैक्सिमम स्पीड सॉलिड में होती है, ओके, जिसको आप स्टील में, और साउंड की मिनिमम स्पीड जो है वो एयर में होती है। साउंड की मैक्सिमम स्पीड आपकी सॉलिड में होती है, मिनिमम एयर में होती है। तो लिक्विड में इसकी स्पीड इंटरमीडिएट होगी सॉलिड और गैस के बीच में। तो आपका यहाँ पर वाटर में, वाटर में साउंड की स्पीड 1450 meter per second या 1500 meter per second होती है, तो हो जाएगी 1500 meter per second। तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो है वो 1500 meter per second होती है। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, सेकंड ऑप्शन 350 meter per second ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर है, बी ऑप्शन जो है ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर है, सी ऑप्शन जो है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है। तो वाटर में साउंड की स्पीड रूम टेम्परेचर पर 1500 meter per second होती है अप्रॉक्सीमेटली।
अगला है द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज। हमने बताया था कि साउंड की स्पीड इस सॉलिड में मैक्सिमम होती है। रीजन क्या है कि साउंड की स्पीड किसी मीडियम में उस मीडियम की इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर डिपेंड करती है। सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, तो सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे मैक्सिमम होगी। तो साउंड की स्पीड वैक्यूम में जीरो होती है, एयर में रूम टेम्परेचर पर 344 या 350 मीटर पर सेकंड होती है, वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड होती है, स्टील में 5000 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, 5000 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, सेकंड ऑप्शन स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इन एयर है, थर्ड ऑप्शन जो है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है, डी ऑप्शन है स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। तो स्टील में जो साउंड की स्पीड है वो 5000 मीटर पर सेकंड होती है, स्टील में जो साउंड की स्पीड है वो 5000 मीटर पर सेकंड होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 34 है द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी न्यू वेवलेंथ लैम्डा एंड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज न्यू इक्वल टू वी लैम्डा, न्यू इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी, न्यू इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, लैम्डा न्यू वी इक्वल टू वन। ओके, हमने इसके पहले डिस्कस किया था। तो एक होती है स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उसको हम वी से डिनोट करते हैं, और साउंड या किसी वेव की फ्रिक्वेंसी को न्यू से या एफ से या एन से डिनोट करते हैं, न्यू से या एफ से या एन से डिनोट करते हैं, और वेव लेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं। तो हमें पता है कि वेव स्पीड वी इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा, फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन लेमडा। तो न्यू इक्वल टू वी अपॉन लेमडा इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यू इक्वल टू वी इंटू लेमडा, ये कोई रिलेशन नहीं होता, न्यू इक्वल टू लेमडा अपॉन वी ये भी रिलेशन नहीं होता, न्यू इक्वल टू वी अपॉन लेमडा होता है, यहाँ से v इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, क्या v इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। ओके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 35, इन एन ऑडिटोरियम द परसिस्टेंस ऑफ साउंड व्हेन अ नोट इज स्ट्रक इज ड्यू टू फिनोमिना ऑफ, करें कि किसी ऑडिटोरियम में साउंड का एक लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंस रहना क्या कहलाता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन कहते नहीं, रिफ्लेक्शन होता है द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ द साउंड वेव इन द सेम मीडियम फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रेबरेशन बोलते हैं, क्या रेबरेशन, इसको गूंजना बोलते हैं साउंड का। तो जब भी साउंड को एक बार प्रोड्यूस कर दिया जाए किसी ऑडिटोरियम में और एक लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहती है तो उसे हम रेबरेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। तो किसी ऑडिटोरियम में परजिस्टेंस मीन्स होता है उपस्थित रहना, प्रेजेंट रहना। तो द परजिस्टेंस ऑफ साउंड, यहाँ आया है द परजिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम, इसको हम रेबरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेबरेशन बोलते हैं। तो रेबरेशन इज द परजिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम फॉर ए लॉन्ग टाइम या फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम। ओके, तो ये रेबरेशन आएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें आपका रिफ्लेक्शन नहीं सही है। रिफ्लेक्शन में साउंड वेव जाती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके फिर वापस चली आती है, ठीक है ना, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं सही है। एब्जॉर्प्शन में साउंड वेव किसी एब्जॉर्बिंग सरफेस पर जैसे कुशन है, कारपेट है, इन पर गिरती है और वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इंटरफ्रेंस में क्या होता है, इंटरफ्रेंस में दो साउंड वेव आपस में मिक्स होकर के कहीं पर ज़्यादा साउंड सुनाई पड़ती है, कहीं पर कम साउंड सुनाई पड़ती है, इसे हम इंटरफ्रेंस बोलते हैं। तो ये इंटरफ्रेंस भी नहीं है, तो ये रेबरेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, रेबरेशन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, व्हेन साउंड स्ट्राइक ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिटर्न इनटू द सेम मीडियम इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रेबरेशन का व्हेन इन एन ऑडिटोरियम साउंड परजिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैव बीन सीज्ड इज कॉल्ड रेबरेशन ऑफ साउंड। एब्जॉर्प्शन मतलब साउंड का एब्जॉर्ब होना, इंटरफ्रेंस मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू साउंड टू आर मोर देन टू साउंड्स
to produce at some places maximum sound, at some places minimum sound is called interference. इसको हम interference बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Interference बोलते हैं. तो जैसे मान लीजिए आप किसी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, मंदिर की तरफ, अगर वहाँ पर बेल बज रही है तो कहीं पर आप रहेंगे तो साउंड बिल्कुल साफ सुनाई पड़ेगी, कहीं पर बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी. तो ये इंटरफ्रेंस की वजह से होता है. तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल इन अ मीडियम द क्वांटिटी दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये कह रहे हैं कि जब साउंड वेव जो है किसी मीडियम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो प्रोपेगेट करती है तो कौन सी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट होती है. ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना. तो देखिए जब भी साउंड वेव किसी मीडियम में, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से लेकर के साउंड वेव आपके ईयर तक पहुँच रही हैं, तो क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? मेरे मुंह से कुछ एनर्जी निकल रही है और वो मीडियम के थ्रू होकर के आपके ईयर तक पहुंच रही है. तो जब भी साउंड वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं तो उस मीडियम में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है. तो यहाँ पर आपका मास ट्रांसपोर्ट नहीं होता है. उसका रीजन क्या है कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपने जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, अपना अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं. तो मास का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, ये सही है. वेलोसिटी का ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं है. डेंसिटी जो है चेंज होती है जब साउंड वेव किसी मीडियम में चलते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होती है. डेंसिटी का वेरिएशन होता है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है. ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना. तो जब भी साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह प्रोपोगेट करती है तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, ना मास का होता है, ना डेंसिटी का होता है, ना वेलोसिटी का होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है. आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखें. साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम एज वेल इज इन अ मटेरियल मीडियम. साउंड वेव कैन ट्रेवल, ओके. अब साउंड वेव किस में ट्रेवल कर सकती हैं ये हमें देखना. आपको पता है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, तो साउंड वेव के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए. ये वैक्यूम में तो ट्रेवल कर नहीं सकती हैं, क्योंकि वैक्यूम में तो नॉन मैकेनिकल वेव ट्रेवल करती हैं, जैसे लाइट वेव है, एक्सरेज है, गामा रेज है, ये ट्रेवल करती हैं. तो इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम, ये मटेरियल मीडियम, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं. इन वैक्यूम ओनली, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. इन मटेरियल मीडियम ओनली, ये सही हो जाएगा. नाइदर इन वैक्यूम नॉन इन मटेरियल मीडियम, ये रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा. साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है और ये केवल मटेरियल मीडियम में ही प्रोपोगेट कर सकती हैं, मटेरियल मीडियम में ही आगे बढ़ सकती हैं, ठीक ना. तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ओके. अगला क्वेश्चन है, हर्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ. हर्ज किसकी एसआई यूनिट है? तो हर्ज देखिए, वेव लेंथ ऑप्शन दिया गया है, स्पीड ऑफ वेव दिया गया है, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, ओके. तो हमें पता है कि वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं. ये होती है किसी वेव के द्वारा एक टाइम पीरियड में चली गई डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं. इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, ठीक ना. तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है. सेकंड बी ऑप्शन है आपका स्पीड ऑफ वेव. स्पीड ऑफ वेव को हम बी से डिनोट करते हैं. इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है. सी है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ज होती है. डी है डिस्प्लेसमेंट. इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, ओके. तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा. हर्ज जो होता है ये फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है, या इसको हम साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं. एक हेनरिक हर्ज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स को लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस किया था, ठीक ना, 1887 में. उन्हीं को क्रेडिट देने के लिए फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट जो है हर्ज होती है, इसको साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं, ओके. तो हर्ज जो है फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट है, जो हेनरिक हर्ज के नाम पर रखी गई है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द ऑडिबल रेंज ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन बींग इज. ह्यूमन बींग कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, जिसको ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो हमने आपको बताया था कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो साउंड है उसको एक नॉर्मल हेल्दी मैन सुन सकता है. तो नॉर्मल जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है. अगर आपसे कोई वेवलेंथ पूछे तो ये वेवलेंथ आपका आएगा 17.2 मीटर से लेकर के 1.72 सेंटीमीटर.
17.2 मीटर से लेकर के 1.72 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कोई वेवलेंथ पूछे ऑडिबल रेंज का, तो 17.2 मीटर से 1.72 सेंटीमीटर है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी रेंज पूछे कि कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। अब 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, ये तो इंफ्रासोनिक वेव्स होंगी, इनको हम सुन नहीं सकते हैं। इनको रिनोसर्स हैं, पैरट हैं, डॉग हैं, एलिफेंट हैं, कुछ होल्स हैं वो सुन सकती हैं। 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, तो 100 किलो हर्ट्ज तो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स में आएंगी, जिनको हम सुन नहीं पाएंगे। और आपका 10 किलो हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स में आपकी ये आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स में आएंगी। तो ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। और इसकी वेवलेंथ का रेंज है 17.2 मीटर से 1.72 सेंटीमीटर। ओके, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज है उसकी वेवलेंथ होगी 17.2 मीटर, जिसकी वेवलेंथ 20 किलो हर्ट्ज है उसकी वेवलेंथ होगी 1.72 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो देखिए, साउंड वेव का जब रिफ्लेक्शन होता है, तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट वेव के लिए अप्लीकेबल होते हैं, सेम वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड वेव के लिए भी अप्लीकेबल होते हैं। तो जब साउंड वेव किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो इसमें हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो जिस तरीके से लाइट वेव का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक वैसे साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता है। बस डिफरेंस ये है कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट वेव एक ट्रांसवर्ज वेव है। ओके ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 के आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में इनको कर लेना है। आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके okay?